हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप? उम्मीद करता हूँ सब मजे में होंगे। मैं हूँ आकाश और आप देख रहे हैं भारद्वाज व्यूज, ऑनली नॉलेज, फैक्ट्स एंड न्यूज। तो गाइस, देश में सोशल मीडिया पर सरकार के खिलाफ भारी असंतोष दिखाया जा रहा है। पीएम मोदी की हर एक वीडियो पर मिलियंस में डिसलाइक आ रहे हैं। हालांकि इन डिसलाइक्स पर सवालिया निशान भी उठते रहे हैं। कुल मिलाकर देश का छात्र और देश का बेरोजगार युवा सोशल मीडिया पर भारी परेशान दिख रहा है। और इसी के चलते 11 सितंबर की सुबह से ही सोशल मीडिया पर हैशटैग राष्ट्रीय बेरोजगार दिवस ट्रेंड करने लगा। ज्यादा सर्च करने पर पता चलता है कि 17 सितंबर के दिन को राष्ट्रीय बेरोजगार दिवस के रूप में मनाए जाने की पूरी तैयारी कर ली गई है। लेकिन यहाँ सवाल उठता है कि आखिर 17 सितंबर को ही क्यों चुना गया है राष्ट्रीय बेरोजगार दिवस के रूप में मनाने के लिए। तो दोस्तों, इसके पीछे बड़ी वजह है कि 17 सितंबर को ही है पीएम नरेंद्र मोदी का जन्मदिन, और इसीलिए चुना गया है इस दिन को राष्ट्रीय बेरोजगार दिवस के रूप में मनाने के लिए। अलग अलग सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर जब कमेंट पढ़े तो बहुत से लोगों का कहना था कि बीजेपी सरकार को छोटे छोटे कामों को बड़े इवेंट में बड़ा चढ़ाकर मनाने का बहुत शौक है, और इसीलिए इन लोगों ने भी पीएम मोदी के बर्थडे को बेरोजगार दिवस के रूप में बदल देने का फैसला किया है। पिछले कुछ दिनों से छात्रों के बीच बढ़ते असंतोष को शांत करने के लिए भी सरकार द्वारा कोई भी स्पष्टीकरण ना दिए जाने से भी युवाओं में भारी असंतोष है। यहाँ तक कि पीएम ने मन की बात के प्रोग्राम में खिलौना बाजार के विषय को प्राथमिकता दी, ना कि छात्रों और युवाओं के मुद्दों को उठाने में। तो दोस्तों, युवाओं के प्रति बेपरवाही की वजह से 17 सितंबर को पीएम मोदी के साथ क्या खेल होने वाला है? आपकी क्या राय है, आप कमेंट सेक्शन में अपना कमेंट लिखकर जरूर बताएं। और आपको क्या लगता है कि इस तरीके से हैशटैग बेरोजगार दिवस जैसे ट्रेंड कराने से क्या वाकई में छात्रों और युवाओं की समस्याओं का समाधान पीएम मोदी कर देंगे? उम्मीद है आपको सब्जेक्ट अच्छा लगा होगा। वीडियो लाइक कर दीजिएगा, नहीं अच्छा लगा डिसलाइक कर दीजिएगा। लेकिन भारद्वाज व्यूज के साथ आप बने रहिएगा। जल्दी मुलाकात करता हूँ आपसे एक नए सब्जेक्ट, एक नए कंटेंट पर। अपना ख्याल रखिए, मुस्कुराते रहिए। बाय बाय।